अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, विद द नेम ऑफ अल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1। बेटा कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट से लेके फिफ्थ पार्ट तक देखा था, आज हम 6 से लेके 10 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है। आगे 8, 9, 10 ये भी मैं आपको करवाऊंगी। देखिए बेटा, आप लोगों ने याद रखना है, जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो हमेशा 10 की पावर पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अगर हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करवाएं तो पावर हमेशा नेगेटिव आती है। कल जो हमने किया था वो ये वाला था, तो आपकी पावर आप देखें पॉजिटिव आ रही थी। आज हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव होगी। तो बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 0.00643, ठीक है। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मैंने आपको कहा था 0 के अलावा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 के अलावा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे पॉइंट यानी 6 के बाद आएगा, तो आपने इसको लिख देना है 6.43। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 6.4, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो देखिए 6.43 मल्टीप्लाइड 10, इतना लिख दिया। उसके बाद देखिए पॉइंट कितने स्टेप मूव करेगा, 1, 2, 3। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 3। और आपके पास लेफ्ट टू राइट वर्ड मूव किया है तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। 6 मैंने करवा दिया, 7 आपने बिल्कुल बेटा इसी पैटर्न पे करना है, ठीक है। अब 8 देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 के अलावा फर्स्ट डिजिट क्या है, 6। तो आप इसको लिखेंगे 6.0 मल्टीप्लाइड 10। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पॉइंट यहाँ पे 7 स्टेप मूव किया है, तो 10 की पावर 7। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो पावर पॉजिटिव। ये वाला देखें, यहाँ पे पॉइंट क्या कहाँ पे आएगा, 0 के अलावा फर्स्ट डिजिट क्या है, 3। तो 3.95 ये लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। उसके बाद देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9। अब ये देखें बेटा, इसको आपने किस तरीके से लिख करना है, यहाँ पे देखें पॉइंट कहीं पे भी ना हो तो यहाँ पे होता है, ठीक है। या इसको पहले लिखेंगे 2.75 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, तो पावर 5 आ गई। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो पावर पॉजिटिव। यहाँ पे देखें, पहले आप इसको लिख लेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10। अब देखें कितने स्टेप मूव करेगा, 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वर्ड मूव किया है तो यहाँ पे साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक देखे हैं। ये क्वेश्चन सारे आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे भी सॉल्व करने हैं और अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है। कल इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।